चार बहन साकिब से बहुत प्यार करती है, देखा था कैसे सदके बारी जा रही थी उस पर। हाँ, बहुत बहुत किस्मत वाली है राबी, ऐसे जमाने में भी इतनी प्यार करने वाली नहीं मिली उसे। शादी होकर तो मैं इस घर से चली गई हूँ, मगर मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई काम नहीं होता। अब मेरा ख्याल है कि बहुत प्यार से मुझे उनको ये नथ और टीका वापस कर देना चाहिए। उतारते सोया है नसीबा रबा, ऐसी है जुदाई वे। राबी, राबी, तक सो रही हो तुम? वो हमारे घर में सुबह सबको बहुत जल्दी उठ जाने की आदत है, हमने तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम आओगी उन्हें सलाम करोगी। साकिब, आप चले मैं आती हूँ। क्या मतलब आप चले मैं आती हूँ? चलो आओ जल्दी, आओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो आओ, जल्दी आओ, आओ। लीजिए, आ गई आपकी बहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कल की आई हुई दुल्हन हो और भरे घर में रहने के भी कुछ तौर तरीके होते हैं। ये दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? अम्मी कमरे में सो रही थी, मैं जगा कर यहाँ लेकर आई। बहर तुम भी क्या करती हो? ये इस घर की बहू है, इसे इस घर के उसूल पता होने चाहिए। अच्छा बेटा, तुम कमरे में जाओ और तैयार होके आ जाओ। सुनो, जल्दी तैयार हो जाना, मैं नाश्ता बनवा रही हूँ। बेटा, तुम भी वैसे अजीब हरकतें करती हो। अभी सुबह के सिर्फ 8 बजे हैं, अगर थोड़ी देर वो और सो जाती तो क्या हो जाता। और हाँ, तुम तो खुद कभी 12 बजे से पहले सोकर नहीं उठी। यार सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मेरे जहन में था कि इसको सुबह सुबह उठाना है, अभी से ही मामला देख लेने चाहिए। आपने अगर अभी से नरमी बरती ना, फिर भुगतती रहेंगी आप। ठीक है भाई, ठीक है। तुम फिर दौ से कहो कि नाश्ता बनाए। क्यों, इसके मैके से नाश्ता नहीं आएगा? भाई मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं है, आ भी सकता है। अच्छा ऐसा है, थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे। अगर नाश्ता नहीं आया तो फिर इस राबी को ही कहिएगा कि फिर दोस्त से कहे नाश्ता बनाए। अम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, जब नाश्ते का वक्त हो जाए तो मुझे उठा दीजिए। अच्छा ठीक। चले हो गया सब पैक। तुम्हें कम नहीं लग रहा? नहीं, कहाँ कम है, ठीक ही तो है। देख लो मुनीजा, बहन के ससुराल का मामला है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। होनी भी नहीं चाहिए, इसीलिए आपसे पूछने से पहले बराबर वाली आंटी से मशवरा कर लिया था मैंने। जैसे उन्होंने कहा वैसे ही किया मैंने। ये बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा सुने, आप चल रहे हैं ना हमारे साथ? नहीं, मैं तुम लोगों को ड्रॉप करके काम से चला जाऊंगा, वहां से सीधा घर आऊंगा। तुम्हें काम करना ना, साकिब और राबी तो यहाँ आ रहे हैं, तुम उनके साथ आ जाना। अच्छा ठीक है, चले आप जाएं। आफरीन जल्दी आओ। मैं गाड़ी में सामान रख रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पक्का सब ले लिया है ना? हाँ हाँ सब ले लिया। तो
सोता अभी? तुम उठ गई? मुझे तो लगा तुम तैयार हो कि मुझे उठाओगी। वो आप सो रहे थे ना, तो क्या शाम तक सोने देते? हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है, उसका आगाज मैंने तुम्हारे साथ करना था। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। वो गौहरबाजी ने मुझे कहा कि जल्दी से तैयार होकर आ जाओ और आके अम्मी को सलाम करो। आप ही ने कहा था, पहले बताना था। जाओ फिर, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे सुनो, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। थैंक यू। ओ वाओ, इयररिंग्स तो बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ? हाँ। शायद जल्दी जल्दी में रह गया। ये रहा। मैं पहना दूँ? पहना दे। थैंक यू। डर लग रहा है। बहुत अच्छी लगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लगता है फूफो से बहुत प्यार करती है, हैं? बहुत ज्यादा। आंटी, मेरी फूफो जान किधर हैं? ये रही आपकी फूफा। आ गई फूफो तुम्हारी। जान, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आपको पता है मैं आपको कितना याद कर रही थी? मैं भी आपको बहुत ज्यादा याद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साकिब आप? मैं बिल्कुल ठीक। वो अलीम भाई नहीं है? वो आप दोनों का घर पे ही वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। बीबी जी नाश्ता लग गया है। ठीक है, जाके गौहर को जगाओ। गई थी पर उन्होंने तो डांट कर भगा दिया। आपको पता तो है कि आप ही दोपहर के बाद ही उठेंगे। आइए नाश्ता करते हैं। चले आ जाए, आज आओ बेटा। उमर कहाँ है? सो रहा है। काफी लेट हो गया, उठा लेती उसे? थोड़ी देर में खुद ही उठ जाएगा। अगर तुम्हें टाइम मिले तो अम्मी को फोन कर लेना। क्यों? तबीयत खराब है उनकी। वाकई में तबीयत खराब है या वलीमे में ना आने का बहाना कर रही है? बातें करती हो तुम। हो सकता है मेरे घर वालों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे और उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं। जिस तरह तुम सोचती हो अम्मी वैसे नहीं सोचती, ये बात अच्छी तरह जानती हो तुम। जानती तो मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह। बहरहाल वो आए या ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। अरे आ गए तुम। सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आओ नाश्ता करो। नहीं नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। साकिब को फोन कर रहा था, फोन नहीं उठा रहा था तो इसलिए आ गया। वो अपनी बीवी को लेके मैके गया हुआ है, घबराहट में फोन ले जाना भूल गया। देखो अब तो उसे अपनी बीवी याद रहेगी ना, फोन ना मैं ना आप, कोई नहीं। साकिब से कुछ काम था तुम्हें? नहीं, वो कैटरिंग वाले से बात करनी थी, वो आया हुआ था, बस हो गया मसला सॉल्व। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बैठो तो बैठो जरा, मैं चाय मंगवाती हूँ। फिरदौस
फिरदौस। जी बेगम साहब, ऐसा करो कि चाय लेकर आओ और उसके बाद हसन के कमरे में जाके उसे कहो कि एक मिनट से पहले कमरे से बाहर आ जाए, ठीक है? जी अच्छा। अरे बैठ जाओ ना। हाँ शाबाश बैठो। अच्छा ये बताओ कि फिर केटरिंग की सारे मामला ठीक ठाक हो गए? जी बस थोड़ी सी चीजों की कंफ्यूजन थी। वैसे मैं मान नहीं सकती कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी। क्यों? मैं क्या आपको शक्ल से मजनू या कोई रोमियो टाइप लगता हूँ? नहीं, लेकिन आपने कभी तो किसी को आइडियलाइज किया होगा? नहीं, शायद मैं काम में इतना बिजी रहा कि इस तरह की बातें सोचता ही नहीं था। अलबत्ता मेरी आप ही जरूर चाहती थी कि मेरे लिए कोई हूर परी लेकर आए। तो फिर मिली आपको हूर परी? अपनी तारीफ पे सुनना चाह रही हो? मेरे बारे में तो जान रही हो, ये तो बताओ कि तुम्हारा कोई आइडियल था? कैसा था? आप जैसा। सच कह रही? अब आप अपनी तारीफ सुनना चाह रहे हैं। उमर आराम से नाश्ता कर लो। तो इसका मतलब अब मैं बैंक्वेट ना जाऊं? हाँ अब जाने की क्या जरूरत है, बस 2 घंटे में ही फूलों वाले का काम भी हो जाएगा, सब सेट है। खबरदार जो तुम यहाँ से हिले। ओहो गौहर चीख क्यों रही हो तुम? चलो बेटा मेरे कमरे में चलो, मैं अपने लाडले को खुद नाश्ता कराऊंगी। हटो तुम, आओ चलो। फिरदौस ये उठा के लेके आओ ट्रे मेरे कमरे में, चलो हम खुद ही कर लेते हैं। आज शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर आपका चक्कर लगा हुआ? हाँ हाँ देख लिया, सारे इंतजाम बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। साकिब ये डब्बे में क्या है? पता नहीं, मुनीजा भाभी ने दिया। क्या जहेज है इस डब्बे में? जाओ साकिब इसे कमरे में रखा। जी। राबी तुम जाओ, साकिब तुम रुको एक मिनट। फिरदौस फिरदौस। जी बेगम साहिबा। ये डब्बा साकिब भाई से लो और उनके कमरे में रखा, जाओ। जी अच्छा। बहुत बुरी बात है गौहर, उसके आते ही तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। भाभी अच्छा नहीं लगता, ये भाभी का चेहरा अजीब सा हो गया था। हमने तो जहेज लेने से वैसे ही मना कर दिया था, फिर क्या जरूरत थी ये काट कबाड़ लेकर आने की? और तुम मुझे ये बताओ तुम्हें क्या जरूरत थी उस मुनीजा को घर तक छोड़कर आने की? हमने जाना ही था अभी, उन्हें भी साथ ले। तुम्हारा जाना जरूरी था क्या? उसका भाई तो जब छोड़ने आया अपनी बीवी को तो गेट पर छोड़कर चला गया, यहाँ तक नहीं हुआ कि घर आकर अम्मी को सलाम ही कर लेता, तुम चले गए वहाँ सबको सलाम करने। I'm sorry यार, आइंदा ख्याल रखना। साकिब ये डब्बे में क्या है? पता नहीं। क्या जहेज है इस डब्बे में? आप भी बहुत गुस्से इन चीजों की वजह से
एक तो मुझे तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहिए था और फिर ये तुम्हारी चीजें मेरे हाथ में है। मुझे ये सामान यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अभी ऐसा है क्या इस डब्बे में? मेरा सारा सामान है, मेरी चूड़ियां हैं। चूड़ियां? ऐसी कौन सी खास चूड़ियां? दिखाओ मुझे। कांच की चूड़ियां। बहुत पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा और क्या? और इसमें मेरी जूड़ी है। इस्तेमाल की भी, इन्हें लाने की क्या जरूरत? अब मुझे बचपन से बहुत ज्यादा शौक है चूड़ियां जमा करने का। मेरे पास हर कलर की चूड़ी है और जब भी मैं बाजार जाती हूँ ना तो अपने लिए ढेर सारी लेके आती हूँ। तो राबी, क्या आपका शोहर आपके लिए बाजार नहीं जा सकता? क्या वो आपके लिए हर रंग की चूड़ियां नहीं लेकर आ सकते, कांच की, सोने की? जब आप मेरे लिए पूरा बाजार उठा के लाएंगे ना चूड़ियों का, तो मैं ये वापस कर दूंगी। अच्छा, ये येलो कलर वाली जरूर पहन, मुझे भी पसंद। मैं आप ही को देख कर आता हूँ, थोड़ा मूड ऑफ है। आप एक बार मुझे मना कर दी थी तो मैं थोड़ी चाहता। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? आपका मूड मैं इस तरह नहीं देख सकता। आप जानती हैं कि जब आपका मूड खराब होता है तो मेरा भी खराब हो जाता है। इस कदर बुरे लग रहे थे तुम सामान लेकर उसके पीछे फिरते हुए। वो दरअसल आपको पता है, मैं समझा कि उनके घर की कोई रस्म है। शादी के बाद नया दूल्हा शायद एक दिन के लिए सामान उठाता है। देख रही है अम्मी किस कदर मासूम और सीधा है आपका बेटा। हाँ वो तो है, लेकिन बेटा अगर तुम वही मना कर देते ना तो यहाँ आके कोई बात ही ना होती। अब खड़े हुए क्यों हो, बैठ जाओ। चलो बैठो शाबाश। सीधे होकर बैठो। मैं अम्मी को भी समझा रही थी और तुम भी कान खोल कर सुन। मेरा क्या है, मैं तो चली जाऊंगी एक दो दिन बाद अपने घर, मगर उसके बाद अगर राबी की वजह से अम्मी को या तुम्हें परेशानी हुई, ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। समझता, बहुत अच्छे से समझता। हम पे जब भी कोई परेशानी आती है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। तो फिर ज्यादा उसके आगे पीछे फिरने की जरूरत नहीं है, अभी से उसे अपने सर पे मत चढ़ाओ। ओके। एक स्माइल तो दे दे। जा रहा हूं। आप भी कुछ कह दिया करें, कुछ समझा दिया करें। बस बहुत हो गया। क्या हुआ आपका? सोया है न-
है जुदाई वे। सर आंखों पर बिठा के रखेगा साकिब हमारी राबी को? सिर्फ साकिब ही नहीं, उसकी अम्मी भी बहुत अपनायत नजर आ रही थी उनकी आंखों में। हाँ भाई, बस अल्लाह मेरी बहन को नजरे बद से बचा कर रखे। आमीन। पता है मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। अपने रिश्तेदारों को नहीं देखा आपने? आंखें खुली की खुली रह गई थी उनकी। मैं देख रहा था। और चचा जान क्या कह रहे थे? कह रहे थे अभी मंगनी और साल बाद शादी की डेट देनी चाहिए थी तुम्हें। अरे छोड़े उन्हें, वो तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते। हमारे टाइम पे याद नहीं है क्या क्या बातें की थी उन्होंने? याद है, तुम्हारे तो फेवरेट है वो। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाय। सब ठीक है ना? हाँ क्यों, ठीक नहीं होना था? वो नाराज हो रही थी ना आप ही। अरे अरे आप ही की नाराजगी तो मैं चुटकी बजा के ठीक कर देता हूँ। तुम्हें पता है आप ही अभी भी दिमाग से बहुत छोटी बच्ची है। शादी हो गई उनकी, बच्चा है उनका, बेटा है, लेकिन दिमाग अभी भी उनका बच्चों वाला है। छोटी छोटी बात पे रोती हैं, छोटी छोटी बातों पे जिद करती हैं। जब हम छोटे थे ना आप ही अपनी डॉल को लेके इतना रोती थी, ये मेरी डॉल है मुझे दो मुझे वापस करो, इस तरह। आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। ओह थैंक यू थैंक यू, लेकिन आई स्वेयर तुम सोच नहीं सकती हो आपकी कितनी बच्चों वाली हरकतें करती है, समझे? तुम अगर उनको देखो आप ही। साकिब मुझे बात तो तुमसे एक दो दिन बाद करनी थी, मगर क्या बात? देखो अब्बू के इंतकाल के बाद इस घर में हमारी पहली खुशी है। और कितनी ख्वाहिश थी उनको मेरी शादी की, बहुत धूमधाम से करना चाहते थे हर तकरीब। खैर शायद अम्मी भी हर मौके पर यही सोचती रही, बात बात पर रोने लगती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें संभाला, तुम तक कोई बात नहीं आने दी, मगर आज अचानक उन्होंने कह दिया कि साकिब कब्रिस्तान गया। ओह गॉड, आप ही, मैं बिल्कुल ही भूल गया। मैं अभी अम्मी से बात करता हूँ और कब्रिस्तान जाता हूँ। नहीं नहीं अम्मी तो बड़ी मुश्किलों से सोई हैं, तुम अम्मी से बात मत कर। चलें ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अभी के अभी कब्रिस्तान जाता हूँ। ठीक है ठीक है। देखा तुम कितना ख्याल है इनको मेरा, अगर ये मुझे रियलाइज ना कराती मेरे दिमाग से निकल गया। तुम अपना ख्याल रखो ओके। आए अम्मी आ जाए आराम से, आप बैठे दवा खाकर आराम कर लें, मैं पानी लेके आता हूँ। और वलीमे पर जाने की आप बिल्कुल टेंशन ना लें। फिक्र नहीं करो बेटा, थोड़ी देर सो लूंगी ना तो शाम तक बेहतर हो जाऊंगी, और जाना तो पड़ेगा, बहुत करीबी रिश्ता है हमारा। अरे अम्मी मैं जा रहा हूँ ना, काफी है, आप घर पर आराम करें, कोशिश करूंगा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जाके बैठना ही तो है, रौनक देखूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। नहीं आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, जरूरी है ये। बेटा प्लीज, अच्छा अब दवा तो खिलाओ। शादियां वगैरह तो होती रहती हैं, इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। भाभी मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आसन आ जाए। क्या करें भाभी? कुछ नहीं बस ना कुछ सामान सेट कर रही हूँ। अच्छा तो ये कीमती चीज लाई हैं आप? नहीं नहीं मेरा मतलब गलत मत समझना प्लीज, अब ये स्कूल की डायरीज कॉलेज की यादें इनसे कीमती क्या होगा, मैं समझता हूँ इन बातों को। ऐसे क्या है इसमें, मैं पढ़ सकता हूँ? नहीं। ओ सीक्रेट सेंस में आपके कुछ पोइट्री है। अच्छा तो आप शायरी भी करती हैं, अब तो जरूर पढ़ूंगा। मामी उमर
मामू कहाँ हैं? ये इतने बड़े सामने मामू खड़े हैं, नजर नहीं आ रहे? आप नहीं, साकिब मामू। साकिब मामू बाहर गए, मुझे नहीं लेके गए। पर अब तो वो चले गए ना, आप मेरे साथ चलना ठीक है? नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। चलो आ जाओ, साथ चलते आइसक्रीम खाते ठीक है? नहीं, मुझे आपके साथ नहीं। उमर, लग गया ना मामी को? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना मारा है, हर वक्त डांटते रहते हैं। सॉरी भाभी, वो थोड़ा शरारती है। कोई बात नहीं, अच्छा है। ऐसा नहीं था कि मुझे आपकी याद ना आई हो, हर मौके पर आपका ख्याल आता रहा। दुल्हा बनते हुए भी मेरी नजरें सिर्फ आप ही को ढूंढ रही थी। राबी को रुखसत करवा के लाया तो उस वक्त भी आप बहुत याद आए। काश आप मेरी खुशी देख सकते, राबी को देखते। अल्लाह पाक आपको सुकून नसीब करे, जन्नत की ठंडी हवाओं में रखे। बात है उमर, सुकून से बाल तो बनाने दो। मुझे डांट दिया। किसने डांटा? मुझे हसन मामू ने डांटा, और वो भी राबी मामी के सामने। अरे, हसन ने तुम्हें डांटा और भी राबी के सामने? हाँ। ओए मेरा बेटा, आओ चलो मैं बात करती हूँ हसन। नहीं, मैं नहीं आ रहा, आप जाएं। वो बहुत गंदे हैं, मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगा। अच्छा मेरा बेबी, तुम यहाँ बैठो, मैं खुद बात करके आती हूँ। ओके, मैं आती हूँ। अच्छा, इसे कैसे डांट दिया? गंदे, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। हसन जी। अभी तुमने उमर को डांटा? हाँ, डांटा है। क्यों? आप ही बदतमीजी कर रहा था। क्या बदतमीजी कर रहा था? कहना नहीं मान रहा था और जिद करते करते उसका पैर भाभी को लग गया। उसने जानबूझ के तो नहीं मारा, लेकिन आप ही वो जिद कर रहा था ना। बच्चे ऐसे ही करते हैं हसन, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें डांटा जाए। आपने कौन सा पहली बार डांटा है? मैं अक्सर प्यार में उसे डांट देता हूँ। तुमने उसे राबी के सामने डांटा और उसने ये बात बहुत महसूस की। ओह, तो मतलब साहब इतने बड़े हो गए। चले, आप फिक्र ना करें, मैं बात करता हूँ उससे। अब रहने दो, इस वक्त उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तुमने राबी को ड्रॉप करने जाना है ना अभी, तो भाभी आपको भी तो तैयार होना है, आप चली जाना उनके साथ। मैं नहीं इतनी देर उसके साथ पार्लर में बैठ रही, उसको पिक करने से आधा घंटा पहले निकल जाएंगे, मैं उतनी देर में तैयार हो जाऊंगी। अच्छा, मैं वर्कआउट कर लेता हूं, फिर छोड़ देता हूं। नहीं, अभी जाओ, चलो। एक तो हर कोई छोटा समझ के ना मुझ पे आरोप डालता है। क्या क्या कह रहे हो भाई, बताओ मुझे जरा। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी बताओ मुझे, कुछ नहीं क्या कहा है तुमने? जी बाजी, इस घर में सब मुझे आप ही कहें, और तुम भी आइंदा से मुझे गौहर आप ही कहो, ठीक है? जी। सामान रख लिया तुमने? सैलून जाना है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं रखा। 4:30 बज रहे, कब रखोगी सामान? वो अच्छा, अब ये भी सूटकेस में डाल लेना, हसन को मैंने समझा दिया है, जब तुम तैयार हो जाओगी तो उसको फोन कर लेना, वो तुम्हें पिक कर लेगा सैलून से, ठीक है? मैं कह रही थी कि वो साकिब। साकिब? साकिब का क्या काम? तुम अपना काम करो, उसे अपना काम करने दो। वो घर आ गया है, अम्मी के पास बैठा है, कोई जरूरी बात कर रहा है। चलो जल्दी करो, सामान रखो, बहुत देर हो रही है। चलो जल्दी करो। मुझे ऐसे लगा कि अबू बहुत खुश है, मुझे गले लगाकर प्यार करके दुआएं दे।
शायद रूहें भी अपने बच्चों की खुशी महसूस करती हैं। प्यारी लग रही हूँ। टीका भी बहुत अच्छा है आपका। बहुत प्यार से मुझे उनको ये नथ और टीका वापस कर देना चाहिए। मैं आपकी मदद कर देता। बस कर दो भैया, और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? बस ना 10 मिनट और। 10 मिनट और? अब 10 मिनट में ऐसा क्या करना है जो पहले नहीं हुआ? ना, आपको तो बस बुरा ही लगता है मेरा तैयार होना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ और है। अच्छा, अब क्या बात है इसमें? बात यह है कि मुझे लगता है कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। अच्छा, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। पापा ये देखिए मैं तैयार हो गई। लो, वो भी तैयार हो गई, अब तो चलो। अच्छा ना, चल रही हूँ। दुपट्टा, ये बताएं, ये ऐसे लो? ऐसे भी ले लो, गाड़ी में जाके देख लेंगे, अभी देर हो रही है। ठीक लग रही हूँ ना? पक्का ना? हाँ, अच्छी लग रही हूँ ना? चलो। काफी देर हो गई है, मुझे भी खिंचवानी है तस्वीर, आप फिर जाइए। आए, इधर से आ जाओ। तो यहाँ रुके, मैं भी
अच्छा मैम आप वेट कीजिएगा, पिक्चर सो रही है। बस जरा थोड़ी देर में खाली हो रहा है। हेलो, अरे हाँ यार एक जरूरी तकरीब में आना पड़ गया था। नहीं नहीं अरे भाई मैं 10 से 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अरे डोंट वरी आई विल बी देयर विद इन 15 मिनट्स। ऑलराइट थैंक यू। बस 2 मिनट रुक जाए। असल मकसद शादी में शिरकत करना था और शिरकत कर ली है माशाल्लाह। हमें असल में दूसरी जगह भी जाना है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही थी शौकत, हम लेट हो रहे हैं, चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बाकी हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। माशाल्लाह दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। हमें इजाज़त है। जैसी आपकी मर्जी। इंशाल्लाह। बहुत हो गया। क्या हुआ आपका? कब से मैं अपने मेहमानों को लिए खड़ी हुई हूं इंतजार में। अरे आप हमें आवाज दे देती ना, हम हट जाते। क्या हुआ आपी? शौकत और महविश कब से खड़े हुए थे तस्वीर खिंचवाने के लिए, यहाँ कोई हट ही नहीं रहा था। बाहर आराम से। क्या आराम से, इनको महफिल में उठने बैठने की तमीज नहीं है? अगर इतना ही शौक है ना तस्वीरें खिंचवाने का तो अपना फोटोग्राफर साथ लेकर आया करें। आपी प्लीज बस करें ना। शौकत डिप्टी कमिश्नर है और महविश मेरी बेहतरीन दोस्त। ना सिर्फ आज मेरी बेइज्जती हुई है बल्कि मेरे मेहमानों की भी बेइज्जती हुई है। अच्छा अभी मैं माफी मांग लूंगा इस बात को खत्म करें। गौर बहन आई एम वेरी सॉरी, अगर मैं आपको खड़ा हुआ देख लेता तो जगह दे देता आपको। आप तो रहने दीजिए, आपके तो अपने फंक्शन में फोटोग्राफर बुलाने की औकात नहीं थी, यहाँ आप तस्वीर पे तस्वीर खिंचवा रहे हैं। हर बस कर दो। तुम दरमियान में मत बोलो। हर जो होना था वो हो चुका है, अब बाकी का फंक्शन खराब मत करो खुदा के पास। अभी 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 एक आप मेरे साथ भाई आ जाए। आप बस कुछ भी करके बहुत बहन को बुला लीजिए प्लीज। जी मैं देखता हूँ। क्या कर सकते हैं, मैंने तो देखा भी नहीं था।